क्योंकि मैं फिजिक्स में मतलब बहुत सी चीजें पढ़ी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी चीजें समझ में आई, रिलेटिविटी वगैरह, आइंस्टाइन, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये एक चीज है जिसको मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया, पर मुझे पढ़ना है। ये स्टिकर है नॉर्मली, मैंने इसको टैटू किया, दिक्कत है उसमें। हां एक टैटू भी है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन। ये सबने इसको स्क्रोडिंजर इक्वेशन का लगा रखा है, तो इसके बारे में मतलब कहां से सबकी शुरुआत हुई, कहां से इसका इंटरवल वर्ड ऑफ आगे बोल नहीं पता ए बता ना बता ना बता भाई 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 मेरा भाई बता बता ना भाई बता ना मेरा बता अच्छा अच्छा बता अरे वाह इंटरेस्टिंग स्टोरी सर की लाइफ स्टोरी आ गई अभी उनकी लाइफ स्टोरी क्या आपकी लाइफ ये इसी पर्पस से बनवाया गया था कि किसी दिन ये क्वेश्चन पूछा जाए कन्वर्सेशन आगे बढ़े है ना तो क्या है कि मैं थोड़ा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप हूं मतलब कई लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे है ना तो कम से कम ये कन्वर्सेशन स्टार्टर हो जाता है बाकी बता देते इसके बारे में श्रोडिंगर इक्वेशन भाई तुम पढ़ रहे हो पता हो गई मतलब इतना पता होगा कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता गजब बेइज्जती है तो ऐसा होता है ना अगर मान लो मैं कुछ और लिख पा रहा हूँ मान लो कोई लेट से एक्स वाई जेड कोई फॉर्मूला लिखा है फिजिक्स का लेट से चाहे मुझे अच्छा लगता हो उसपे सामने वाला तगड़े लेवल पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है दिस इज समथिंग कि इस पे श्रोडिंगर खुद भी आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता मतलब लिटरली इसका कोई प्रूफ नहीं है कहाँ से आई कैसे आई नो वन नोज है ना मतलब ठीक है कुछ कुछ लिंक्स हमको इसकी मिलती है एंड दिस इज समथिंग जिसके कारण हमारी दुनिया चल रही है तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे जितने मोबाइल फोन है जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन कुछ भी हो रहा है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स तुम देखते हो नॉट जस्ट कम्युनिकेशन द होल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके पीछे का जो हार्ट है दैट इज क्वांटम फिजिक्स उनकी इक्वेशन को स्टार्ट करती है शायद तुम लोगों ने ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में देखी होगी ना केमिस्ट्री से ये कोर तो एक्चुअली कुछ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर करा है उसमें से एक श्रोडिंगर है और इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि मैं फिजिक्स में मतलब बहुत सी चीजें पढ़ी मैंने बहुत कुछ पढ़ा बहुत सारी चीजें समझ में आई रिलेटिविटी वगैरह आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये एक चीज है जिसको मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया पर मुझे पढ़ना है तो इट इज अ रिमाइंडर कि दिस इज समथिंग अभी बचा हुआ है ये बड़ी अच्छी बात कही आपने